अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज मैंने कूलर मंगाया है आमिर भाई से, भोपाल से। इसमें दुश्मन फ्रॉग है। आज मैं इसका देखो अनबॉक्सिंग करूँगा दोस्तों। ये देखो आमिर भाई का एड्रेस, आमिर भाई का है, भोपाल से आमिर भाई हैं। और आज मैं इसको कट करता हूँ। तो माशाल्लाह पैकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, जिससे किसी का कोई सामान का नुकसान ना हो। ये बबल्स वाली पन्नी लगा के रखी इन्होंने, ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो। देखो कितनी सेफ्टी से इन्होंने सामान अपने पास भेजा है दोस्तों। मैं आज आपको दिखाता हूँ कौन कौन से फ्रॉक भेजे हैं उन्होंने। ये दोस्तों 20 ग्राम का फ्रॉक है ये। उसके देखो कितना सॉफ्ट रबड़ है इसकी। ये बहुत सॉफ्ट रबड़ है दोस्तों। और इसके हुक भी माशाल्लाह बहुत हैवी हुक है। ये ब्लैक कलर में मंगाया है मैंने। तो इसमें इन्होंने सिलिकॉन भी लगा रखा, कई बार जैसे वेट निकल जाता है तो उसका वेट नहीं निकलेगा। और ये अपने आमिर भाई चला रहे हैं दोस्तों, ये फ्रॉक ब्लैक। तो अपने जाकिर भाई, सॉरी, देखो ये ब्लैक है। इसका जो शेप है नाव के जैसा है। और ये 17 ग्राम का है दोस्तों। इसकी रबड़ भी बहुत सॉफ्ट है। और इसके पीछे एक स्पून भी लगा हुआ है, से पानी के ऊपर वाइब्रेट करता हुआ आता है दोस्तों। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और अपने आमिर भाई है भोपाल के, जिसको मंगाना हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। भोपाल आमिर भाई के नाम से डाल देना। ये भी मैंने दोस्तों दूसरा भी मैंने ब्लैक ही मंगाया है। देखो दूसरा ही मैंने ब्लैक ही मंगाया है, क्योंकि ब्लैक से जाकिर भाई बहुत आजकल माशाल्लाह 7.5-7 किलो के स्नेक हेड मार रहे हैं इस फ्रॉक से। और इसके देखो आगे भी ये नोप लगा रखी है, जिससे कि कई बार डैमेज हो जाता है फ्रॉक इसकी, वो टूट जाती है नोप, तो इससे नोप भी नहीं टूटेगी दोस्तों। और इसकी एक खासियत और है दोस्तों, ये मैं आपको देखो बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। इस फ्रॉक में क्या है, जैसे अपन पूरी ताकत से फेंकते हैं फ्रॉक को, तो कई बार क्या है, ये फ्रॉक के जो हुक हैं, ये जो हुक है ये इसके अंदर घुस जाते हैं। ये भी आपने कभी नोट करा होगा, इस रबड़ के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि इस लोड पड़ता है ज़्यादा तो ये घुस जाएंगे। इस फ्रॉक में ये कभी वैसा कोई शिकायत नहीं आएगी, जिससे कि इसके अंदर ये हुक घुस जाए। और बिल्कुल इसके हुक भी ऊपर है, देखो स्नेक हेड बाइट करते ही अपने पास आ जाएगा, वो फिर अपने से दूर नहीं जाएगा। देखो कितने, और इसके हुक देखो आप, इसके हुक भी छोटे हैं और इसके हुक भी इतने खुले हैं। देखो ये ब्लैक है, बस इसकी क्वालिटी यही है, क्योंकि मैं भी सारे स्नेक हेड दुश्मन फ्रॉक का मज़ा ही अलग है दोस्तों। रबड़ भी बहुत सॉफ्ट है और कास्टिंग भी लंबी होती है, क्योंकि इसका नाव जैसा शेप है, लंबा शेप है इसका। जैसे अपन कास्ट करेंगे ना, बहुत दूर जाएगा दोस्तों इससे सबसे। और बेट कास्टिंग पे तो मज़ा ही कुछ अलग आता है खेलने का शिकार। देखो हुक कितने शार्क हुक है इसके, बहुत नोकीले हुक है दोस्तों। स्नेक हेड बाइट, जैसे जंप फ्रॉक होता है ना, बाइट करते ही खींच दो, उस तरीके से भी हुक हो जाएगा। लेकिन आप 2 मिनट का गेप दे सकते हो स्नेक हेड को, जिससे कि पूरा पी ले इसको। यहाँ पर अगर जो स्नेक हेड ने मुँह मार दिया इस जगह, तो हुक उसके अंदर फिट हो जाएंगे दोस्तों, कहीं नहीं जाएगा स्नेक हेड अपना। और अपने माशाल्लाह जाकिर भाई बहुत अच्छे अच्छे स्नेक हेड मार रहे हैं इससे। और मैंने भी 3-4 स्नेक हेड मारे हैं दोस्तों, अपने दुश्मन फ्रॉक पे ही मारे हैं। वो मेरे पास वाइट कलर का है, उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो भी आप आमिर भाई से मंगा सकते हो, भोपाल से। सफीउल्ला भाई से मंगा सकते हो, आप चाहो जिससे चाहो मंगा सकते हो, जो अपने पास में हो, जो आपको सस्ता दे रहा हो। मैं किसी का एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ,
आप जिससे चाहो उससे मंगा सकते हो, लेकिन बट बहुत अच्छे फ्रॉक है ये, 17 ग्राम का ही मंगाना है दोस्तों, क्योंकि इस पर बड़ी और छोटी दोनों ही फीस लगेगी। ये नहीं कि 10 किलो का 15 किलो का ही लगेगा, 8 किलो का लगेगा, 3 किलो का लगेगा, इस पर आधा किलो का भी स्नेक हेड बाइट कर सकता है और आप उसे बाहर निकाल सकते हो दोस्तों। और मैं प्रॉपला भी बनाता ही हूँ, जिस किसी को चाहिए तो मुझसे संपर्क कर लें, तो हम उस तक पॉपलर भी पहुँचवा देंगे अपने, जो इसके फ्रॉक के आगे लगता है पॉपलर, वो मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, मेरे पास शायद पड़ा हो। ये है वो प्रॉपलर, आप इस फ्रॉक के आगे यहाँ फिट कर सकते हो इसको, और इसकी आप चाहो तो ये यहाँ से इसकी ये जो लॉक है इसका, ये यहाँ से इसको चौड़ा करके इसके अंदर ही फंसा सकते हो, ताकि लंबी लेंथ ना हो। हल्का सा प्लास से इसको नॉक को खोलो और इसके अंदर फिट कर दो, ताकि कभी स्नेक हेड छूटने की भी दिक्कत नहीं आए अपनी। आप यहाँ भी इसको लगा सकते हो इसकी नॉक पे, मैं देखो आपको लगा के भी दिखा दूँ। तो ये दोस्तों मैं दुकान पे बैठा हूँ, ये यहाँ पे ठीक है, प्लास की नोक टूटी हुई है दोस्तों, ये देखो इस तरीके से भी आप इसको फिट कर सकते हो। अब अपने को इसकी ये नोब दबानी है दोस्तों, ये मत भूल जाना दबानी, ये देखो ये हो गया फिट, और इस तरीके से इसके ऊपर स्नेक हेड बाइट करेगा दोस्तों, अब ये कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसकी नोब मैंने अच्छी तरीके से दबा दी है पूरी। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़।